ऐसा कहते हैं कि जो घटनाएं हमारे सपने में आती हैं वो हमारे ही जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ हो चुकी होती हैं और कुछ होने वाली होती हैं। जी आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मिस्टर आदित्य अहलावत, द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? जो इंसान मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा दिन छुप नहीं सकता मेरे दोस्त। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर नहीं होती, अंदर चले। घर बहुत अच्छा है, नाइस। एक ग्लास पानी मिलेगा? मतलब की बात करो, तुम मुझे कैसे जानते हो? देखो, मैं ज्यादा गोलमोल बातें नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। अब मैं वो सब काम छोड़ चुका हूं। बंटी वाले केस से पहले तुमने ये बोला था, लेकिन फिर भी वो केस सॉल्व हुआ था ना। इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो यह भी जानता हूं कि तुम्हारी वाइफ की डेथ कैसे हुई। बस बहुत हुआ। अरे प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बात। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसा। मेरी बात समझनी होगी। अरे मेरी बात तो समझो। तो क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते जिसने तुम्हारी वाइफ को तुमसे छीन लिया? हां, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी को जिसने मारा है वो पिशाच कहां है। और मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम सच बोल रहे हो? भरोसा? भरोसे पर तो दुनिया टिकी हुई है मेरे दोस्त, न चाहते हुए भी तुम्हें करना पड़ता है ये भरोसा, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हें करना है करो, या नहीं करना तो मत करो, और जलते रहो इस बदले की आग में। लेकिन इससे तुम्हारे जो ये बुरे सपने है ना, यानी बंद नहीं होंगे। तुम इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये सब जानने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है। तुम बस मुझे मेरी एक चीज लाकर दे दो और उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। और वो चीज क्या है? वो लॉकेट। क्या सिर्फ एक लॉकेट? हाँ, बस एक लॉकेट। तुम बस मुझे वो ला के दे दो। और वो मिलेगा कहाँ? माया की हवेली में। एक मिनट, ये माया कहीं वही तो नहीं है जो लोगों पर जादू टोना करती थी और जिसे परेशान होकर गांव वालों ने उसे जिंदा दफना दिया था? हाँ, ये वही है। तुम्हें पता भी है तुम मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो? वहां तक जो भी गया है ना, वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। मैं जानता हूं, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम बस मुझे वो लॉकेट ला के दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें उस पिशाच के बारे में सब बता दूंगा। बोलो। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना है कि उस लॉकेट में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए तुम इतने बेचैन हो। कुछ बातें राजी रहे तो ही अच्छा है। तुम बस मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है, मैं जाऊंगा वहां पर। गुड,
लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये तुमने क्या किया? जब तक मैं ना बोलूं, कोई भी सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी सर्कल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर एक बार तुम इस सर्कल से बाहर निकल गए तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। बात समझ में आ गई? चलो। खोदना शुरू करो। मेरे पास आओ। देखो, वो तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात से कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मेरी बात आओ। हाँ, आ जाओ। मैंने मना किया था सर्कल से बाहर निकलने के लिए। वहां मैं उसकी बातों में नहीं आना है। फिर से खोदना शुरू करो। जल्दी काम रुकना नहीं चाहिए। रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा मत करो। मैंने बोला रुक जाओ। तुम बहुत पछताओगे। रुक जाओ। नहीं नहीं, इसको मत छूना, इसको हाथ मत लगाना। नहीं, दुनिया ने आज तक मेरे बारे में जो भी सुना वो सच नहीं है।
मैं तो ऐसे लोगों की मदद करती थी जिनकी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं होता था। और मुझे वो लोग गुरु माँ बुलाया करते थे क्योंकि उन लोगों के लिए मैं ही भगवान थी। लोग ठीक होकर मेरी जय जयकार करते थे। गुरु माँ की जय, 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 गुरु माँ की। लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। गुरु माँ की जय, गुरु माँ की जय, साला पूरी जिंदगी गुरु माँ की जय जयकार करने में निकल जाएगी। अगर आज वो लॉकेट मेरे पास होता तो ये सब लोग आज मेरी जय जयकार कर रहे होते। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। मन तो करता है उसे जान से मार दो। तो सोच क्यों रहा है, मार डाल। पर ये सब इतना आसान नहीं, और जब तक वो लॉकेट उसके पास है तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। कभी ना कभी तो उतारती होगी लॉकेट। उतारती है, जब वो सोने जाती है तब। तो फिर आज के बाद तेरी ही जय जयकार। मुझे मार कर दफना दिया गया। उनको लगा कि अब वो उस लॉकेट के मालिक बन सकते हैं। ये तो बता लॉकेट कहाँ है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लॉकेट कहाँ है? लॉकेट कहाँ है?
जो गलती उन्होंने की आज वही तुमने कर दी। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? तुमने कर दिखाया, वेल डन। लाओ ये लॉकेट मुझे दे दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ? मैं जानता हूं तुम कौन हो। ओह, तो तुम उठ गए। चलो सही है। वैसे जो तुमने सब देखा ना, वो सब सच था। बलजीत नंदा मेरे दादा थे, वही बलजीत जो माया के आगे हमेशा झुककर खड़े रहते थे। इस लॉकेट की वजह से। और जो काम तुम्हारे दादा नहीं कर पाए वो तुम्हें करना था, और उसके लिए तुम्हें ये लॉकेट चाहिए था। और लॉकेट को कोई आम इंसान छू नहीं सकता, इसलिए तुम मेरे पास आए, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरा जन्म भी उसी नक्षत्र में हुआ है जिस नक्षत्र में माया का जन्म हुआ है। और लॉकेट को अपने वश में करने के लिए तुम्हें मेरा खून चाहिए, मैं जानता हूं। वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहुत होशियार निकले, तुम्हें तो सब पता चल गया। लेकिन एक बात का तुम्हें अब तक नहीं पता, तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी वाइफ को जिसने मारा वो कहां है। वो मैं ही हूं। वो सब कुछ मैंने ही प्लान किया तुम्हारा खून हासिल करने के लिए, लेकिन तुम्हारी पागल पत्नी बीच में आ गई। अब क्या करें, उसे तो मरना ही था। इसका खून लेकर आओ। मैंने तुम्हें रोका था, पर तुमने
मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हो गया। जानता हूं ये मेरी गलती है। मैं अपनी पत्नी के हत्यारों को ढूंढने के लिए इतना पागल हो गया कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है गलत। जो मेरे साथ हुआ है मैं यही डिजर्व करता हूं, यही डिजर्व करता हूं मैं। अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। मतलब ये कि उस लॉकेट को वश में करने के लिए उसे तुम्हारे खून को आग में डालना होगा। तो जाओ और जाके उसे रोको। लेकिन कैसे, मैं तो मर चुका हूं। और ऐसा किसने कहा? जान से मार दो इसको। ये लो। तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे।